शहर में ईद उल अजहा के करीब फर्जी गांव रक्षकों का आतंक शुरू हो चुका है। सुबह 9 बजे कालू सिंह नामी फर्जी गांव रक्षकों ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर एक जानवर ले जाने वाली गाड़ी को रोक दिया और इस गाड़ी के ड्राइवर को भी मारपीट किया गया, जिसके बाद पुलिस कांस्टेबल्स ने जानवरों को प्राइवेट गौशाला में मुंतकिल कर दिया। कुरैशी ब्रादरान का कहना है कि कुछ दिन कबल कुरैशी ब्रादरान को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में तलब करते हुए उन्हें पुरअमन तरीके से काम करने की सलाह दी गई थी और पुलिस ने बताया था कि अगर लीगल तरीके से जानवरों को ले जाया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर पुलिस से रुजू होने की भी सलाह दी गई। लेकिन अब पुलिस भी बिना डॉक्यूमेंट्स और बाजार के पेपर्स वेरीफाई करने के बाद भी जानवरों को गौशाला मुंतकिल कर देगी तो इसकी शिकायत किससे करेंगे। कुरैशी ब्रादरान ने इल्जाम लगाया कि राजेंद्र नगर पुलिस के कालू सिंह और दिगर फर्जी गांव रक्षकों के साथ मिलकर खेल खेल रहे हैं और इस तरह इन्हें परेशान कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस खसूस में मजीद तफसीलात मुतासिरा कुरैशी ब्रादरान की जबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मंसूर चौधरी, ऑल इंडिया जमीयतुल उलमाए तेलंगाना यूथ विंग प्रेसिडेंट। आज राजेंद्र नगर हलके में ऑटो रिंग रोड गेट नंबर 17 के पास से गाड़ी आ रही थी जिसमें 19 बैल थे, जिसकी डॉक्टर रसीद है, इसके रसीदा हैं पूरे बाजार से खरीदे हुए और ये फुट फ्लॉट स्लॉटर का जो सर्टिफिकेट है, और उसके बावजूद कालू सिंह वहाँ पे आए, आगे जो है सो बगैर पुलिस की इत्तला के उन्होंने आगे गाड़ी रोके, ये खुलेआम इन्हों जो है सो चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रही है कुरैशी ब्रादरी के माल पर। ये गौरक्षक का चोला पहन ले गए, इन लोग कारोबार बनाए हुए हैं इसको, इसी तरह हमेशा इसी तरह से लूटमार मचाए हुए ये गुंडागर्दी कर रही। मैं सबसे पहले तो ये कह दूँ, ये बीफ जो है, मैं हिंदू हमारे हिंदू भाई से भी कहना चाहता हूँ, बीफ में जो है सो खाली गई नहीं है, इसमें ऑक्स आता, बैल आता, बछड़े आते, तमाम चीज़ें आती है। आप लोग भी बोलते हैं कि जैसे सिर्फ आप लोगों के दिमाग में जहन में ये बैठ चुका है कि ये सिर्फ गई का गोश है, ये नहीं है, इसमें बफेलो भी कटते हैं हमारे पास में, ऑक्स कटते हैं, ये लीगल तरीके से हम लोग स्लॉटरिंग कर रहे हैं। हम ऑलरेडी जैसे गई हमारे पास में नहीं कटा रहे हैं कुरैश ब्रादरी में, हम हकीक गौरक्षक जो है कोर्ट में जो है अपील कर रहे हैं और उसके हाथ से लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग, ये जो भी कालू सिंह है जिसके साथ जितने भी साथियाँ हैं और भी दीगर दीपक वगैरह जो जो भी नाम है, ये लोग इन लोगों इसी तरह इसको कारोबार बना लिए, इसी तरह आ रहे एक गरीब लोगों का। ऑलरेडी हम लोग ओबीसी में आते, हम लोग पिछड़े तबके में आते, लेकिन आज तक हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं पलाए। हम लोग सुबह से मेहनत करते हैं, 16 घंटे मेहनत करते हैं, उसके बावजूद ऐसा लोग आ रहे हैं, लीगल माल को भी लूट ले रहे हैं, डकैती डाल ले रहे हैं, हमारे कई लोग अभी तक सुसाइड कर लिए, ये इनका भी व्यापारी का कहना है। नहीं नहीं थी, यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट मौजूद है यहाँ पे, 19 जानवर है, ये हम लोग पुलिस को भी व्हाट्सअप करे, 19 जानवर है गाड़ी के साथ है, फिट फॉर स्लॉटर का ये सर्टिफिकेट है, ये जानवर के रसीद है। अब हम लोग कालू सिंह के ऊपर कंप्लेंट करें, पेपर वेरीफाई करें, बगैर पुलिस वाले जो है गौशाला भी। हाँ देखिए, एज पर लॉ काम ये है, पुलिस पहले अगर जानवर की गाड़ी रोकती है तो पहले चेकिंग करना है और एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर को बुलाना है और जानवर चेक करना है, लीगल है नहीं है, उसका हमें फिट फॉर स्लॉटर है नहीं है, चेक करे, बाद में वो लोग जब्त करना है, और जब भी करना है तो गवर्नमेंट शेल्टर में डालना है, गवर्नमेंट गौशाला में डालना है, ये लोग प्राइवेट गौशाला में डाल रहे हैं, ये प्राइवेट गौशाला में डाल के यही लोग फिर माल बेच रहे हैं। आज तक हमारा एक साल के अंदर हजारों से जानवर पकड़ लिए, लेकिन आज भी गौशाला पूरे खाली है, वो लोग बाजू से फिर से तिजारत कर ले रही, ये बहुत बड़ा सरगना चल रहा है ये गौरक्षक के नाम पर, ये लोग और मामूल मांग रहे हैं, कालू सिंह जैसे जिससे मामूल ले रहे हैं उनका गाड़ी नहीं पकड़ रही, इसलिए मामूल के वास्ते कर रही, ये सिर्फ ये गौ के गौ से हमदर्दी नहीं है कालू सिंह, हकीकी गौरक्षक जो है, मैं इन लोगों के तंजीम का नामा नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो लोग कोर्ट में नुमाइंदगी कर रहे हैं, तमाम चीज़ कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ गौ के नाम पे अपना मामूल बना रही और जो है पैसे लूट रहे और डकैती डाल रही सिर्फ पैसे के वास्ते। हमारी बिरादरी में पूरा जो है, हम लोग पूरा काउंसलिंग करके पूरा यूनिटी बना के, कोई आदमी गई नहीं लाना, कोई इलीगल माल नहीं लाना, बल्कि हम लोग सब ये कर लेके जो है ना, क्योंकि एक करा पूरे भुगत रहे, एक करा पूरे भुगत रहे, बल्कि हम लोग पूरा वो कर लिए, कोई नहीं, हम पूरा बंद कर, मेरी गाड़ी जो, हाँ मेरी गाड़ी जो है ना 8 बजे जो है ना गच्ची बोली कल से ला के आगे बीच में आके पकड़ के क्या करें, पूरा वीडियो कर लेके करा के उनके बच्चों को देखे, 17 नंबर प्लेयर का नहीं छोड़ के गए, आउट ऑफ बच्चों को ड्रेस नहीं, पीएस को नहीं लाई गाड़ी, कुछ नहीं, ऊपर से नीचे तक नहीं आई, डायरेक्ट गौशाले को गई, दो जवानों को दे दिया, जवाना जवाना ले आके डायरेक्ट गौशाले को दिए, उसका कोई जो है हाँ पीएस के जवानों को लेके गए यहाँ से, वो लोग जो है ना हैंड ओवर करके वीडियो कॉलिंग कर लेके लेके चले गए, वो लोग गाड़ी दे देकर लोग चले गए, अब तक कितने गाड़ियाँ जो है ना बेहिसाब गाड़ियाँ लेके चले आ रहे,
दो लोग हमारे कौन है तुम लोग बोले सारे वो उनके पूछे तो तू कौन रे भैन के लोड़े कार से चला दे तुम तुझे कौन है माकड़े थे सिर पहले निकल मैं कालू सिंह हूँ वो ये बोल के हमको डराए पांच पांचों पांचों आए उन्होंने पूरे मिल के ये लिखा है शिकायत में लिखा है आप लोग ये हाँ लिखा है मगर पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं नहीं, नहीं, नहीं बोले उनको केस बुक करा बोलते केस बुक कराए पांचों छह लोग थे उन्होंने कार में आए गाड़ी पुलिस वाले हैंडओवर करे और पुलिस वाले फर्स्ट उन्होंने हैंडओवर कर लिए कालू सिंह उन्होंने हैंडओवर कर लेके 17 नंबर पे उनको आके हैंडओवर करके चले गए कालू सिंह लोग पकड़ के 17 नंबर पे पुलिस के हैंडओवर करे वहाँ से कौशल चले गए की बात हुई थी कि अगर उसके अंदर गाय रहेंगी तो जब्त हाँ गाय रहे तो मैं खुद बोलिया ले जाओ बोल के गाय ने पूरे बैलान थे इसमें 19 बैलान थे लेके चले गए हाँ।